Hello students, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to learn our first chapter of practice workbook and today's our topic is three-dimensional shapes. Three-dimensional shape के बारे में हमने previous video में इसके related जो भी details है वो देख ली है. अभी यहाँ पर इसके related जो भी question है ये सारे हम solve करेंगे. Okay? So our first question is how many edges of a cuboid meet at a vertex? यानी कि जो आपकी vertex होती है ये देखिए, इसमें देखते हैं ये वन वर्टेक्स हम ले लेते हैं. ये वर्टेक्स है उससे कितनी एजेस है वो मीट होती है. ये देखिए वन, ये टू एंड ये थ्री. हाउ मेनी यानी कितनी एजेस एक वर्टेक्स पे मीट होती है. वन टू एंड थ्री. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थ्री. क्लियर. क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट एट एन एज. यानी कि जो आपकी एज होती है ये एक एज से हम देख लेते हैं, एज है उस पर आपको कितनी फेसेस देखने को मिलती है. ओके, ये ले लो, ये कोई भी एजेस ले लो, ये एज ले लेते हैं. कितनी फेसेस दिख रही है, एक तो ये पूरी दिख रही है और ये वाली दो फेसेस दिख रही है. यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टू फेसेस. आपको एक एजेस पे कितनी फेसेस दिखने को मिलती है, टू फेसेस सॉलिड शेप में. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स करते हैं. फर्स्ट आपको क्या दिया है, अ क्यूबॉइड कैन हैव वन और मोर स्क्वायर फेसेस. यानी कि जो क्यूबॉइड होता है ये देखिए, ये क्यूबॉइड है, इसको क्या कहा है कि वन या तो वन से ज़्यादा, वन और मोर स्क्वायर फेसेस. तो ये देखिए ये स्क्वायर फेसेस है और यहाँ पे इसके सामने भी है, तो वन और टू एक और एक से ज़्यादा है. तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा हमारा, ट्रू. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू. बी, अ सिलेंडर हैज़ टू स्ट्रेट एजेस. सिलेंडर में ऐसा कहा है कि टू स्ट्रेट एजेस होती है, लेकिन सिलेंडर तो कैसा होता है, ये देखिए ये सिलेंडर है. सिलेंडर तो पूरा सर्क्यूलर होता है, राउंड शेप में ऐसे गोल होता है, राउंड शेप होता है, तो उसकी कहाँ से एजेस होगी, नहीं होगी. तो स्ट्रेट एजेस तो होगी नहीं, इसकी एजेस होगी लेकिन कैसे होगी, सर्क्यूलर होगी, राउंड शेप में होगी, स्ट्रेट नहीं होगी. तो यहाँ पे हमें क्या कहे, टू स्ट्रेट एजेस नहीं है. तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फॉल्स. सी, अ स्पीयर हैज़ वन सर्क्यूलर एजेस. जो स्पीयर होता है यानी कि ये देखिए, ये प्लेन बोलो या स्पीयर बोलो, ओके, ये आपका स्पीयर है. इसकी ही ना तो बाउंड्री होती है, ना ही वर्टेसिस होती है और ना ही एजेस होती है. तो ऐसा क्या कहा है आपको, इसमें कहा है स्पीयर हैज वन सर्क्यूलर, कहीं पे भी इसमें सर्क्यूलर एजेस नहीं होती, क्योंकि स्पीयर होता है उसकी एजेस ही नहीं होती है. ओके, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग है. यानी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. क्लियर. डी, क्या कहा है, अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ थ्री वर्टेसिस. ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होता है, थ्री वर्टेसिस होती है. ओके, ऐसा कहा. तो हम ट्राइंगुलर पिरामिड यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये ट्राइंगल होगा, फिर उसके ऊपर से ऐसे आएगा, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपने देखा होगा, बस वही आपकी ट्राइंगुलर पिरामिड है. तो देखते हैं कितनी वर्टेसिस हो रही है, वन टू थ्री और ये फोर, फोर वर्टेसिस होती है, लेकिन इसमें हमें यह कहा है थ्री वर्टेसिस. तो सेंटेंस से ये रॉन्ग है, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स. ई, अ क्यूबॉइड हैज़ थ्री पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस. ऐसा कहा है कि क्यूबॉइड में थ्री आइडेंटिकल फेसेस होती है. देखते हैं, ये देखिए ये आपका क्यूबॉइड है. ओके, तो आइडेंटिकल फेसेस ये रही है, वन ये टू एंड ये थ्री, टॉप फ्रंट एंड राइट, या तो इस साइड लेते हो तो लेफ्ट. ओके, जो भी दिखाते हो, टॉप फ्रंट या और राइट, ये आइडेंटिकल फेसेस है इसकी. यानी कितनी होती है, थ्री. ओके, थ्री होती है. तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है, यानी क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू. एफ, एफ में क्या कहा है, क्यूब है सिक्स स्क्वायर फेसेस. क्यूब होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, सिक्स स्क्वायर फेसेस होते हैं, ऐसा हमें सेंटेंस में कहा है. तो हम देख लेते हैं, आपका क्यूब है, फ्रंट आगे पीछे दोनों साइड ऊपर और नीचे, सिक्स फेसेस हो गए. ओके, सिक्स होते हैं, हमें सेंटेंस में भी ऐसा कहा है, स्क्वायर सिक्स फेसेस, इक्वल फेसेस होती है. ओके, तो ये सेंटेंस भी कैसा हो जाएगा, ट्रू.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें देखते हैं ए, ए करके क्या दिया है, अ क्यूबॉइड हैज 6 ब्लैंक फेसेस। क्यूबॉइड में कितने फेसेस, 6 फेसेस कैसी होती है, स्क्वायर होती है, रेक्टेंगुलर होती है, कैसे होती है, ये आपका क्यूबॉइड है। ओके, इसको थोड़ा सा लंबा खींच लो तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी साइड हम स्क्वायर ही ले सकते, ये दो स्क्वायर नहीं ले सकते, ओके, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो कितनी फेसेस होती है, ऊपर नीचे दोनों साइड आगे और पीछे, यानी 6 फेसेस होती है। ओके, तो 6 फेसेस वाला कौन सा है, हैज 6 फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, कैसी फेसेस आएगी इसमें, रेक्टेंगुलर। ओके, बी में क्या कहा है, कौन हैज 1 ब्लैंक एज, यानी कि कौन में कितने, कैसी एज होती है, वन एज होती है, वो कौन में कैसी होती है देख लेते हैं। ये आपका कौन है, ये इसकी फेस है। ओके, ये कौन पूरा कैसा होगा, राउंड शेप में होगा, मतलब कैप देख लो आप, जॉकर की बर्थडे पार्टी में जो कैप लगाते हो ऐसे होते हैं ना राउंड शेप में, तो इस राउंड शेप को क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। तो इसकी वन एज कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो आंसर में क्या आएगा, अ कोन हैज 1 सर्क्यूलर एज। ओके, सी, अ सिलेंडर हैज 2 ब्लैंक फेसेस एंड 1 ब्लैंक फेसेस। सिलेंडर देख लेते हैं, उसकी 2 प्लेन फेसेस कैसे होती है, ये देखिए, ये 1 एंड ये 2, ये प्लेन फेसेस है, कितनी है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, सॉरी 2 कैसे फेसेस है, प्लेन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लेन फेसेस एंड 1, एक फेसेस कहती हुई कैसी होती है, ये पूरा सर्कल जैसा राउंड शेप में होता है, सिलेंडर पूरा गोल होता है। ओके, तो ये कैसे फेस होगी, इसकी वन फेस है वो सर्कुलर राउंड शेप में होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कर्व्ड, कर्व्ड यानी सर्कुलर और राउंड शेप। ओके, यानी कि मुड़ी हुई, स्ट्रेट नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, कर्व्ड। डी, इन अ पिरामिड द नंबर ऑफ एजेस इज ब्लैंक्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एट बेस। आपको क्या कहा है, रेक्टिलिनियर शेप में, उस फिगर में आपको सॉलिड शेप में देखना है, पिरामिड होती है, उसकी द नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड से, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो कोई भी एक पिरामिड लेते हैं, लीनियर यानी कि सर्कुलर होती है, वैसी पिरामिड हमें लेनी है। ओके, ये क्वेश्चन अभी अब बाकी रखो, इसमें मैं समझाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ये जब स्कूल ओपन होगी तब मैं बोर्ड पे अच्छे से इसको समझा दूंगी। ओके, ये क्वेश्चन अभी स्किप रखो। ओके, ये डी नोट करके रख लेना, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब ये हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सॉलिड वे, आपको नेम लिखने हैं सॉलिड शेप के। ओके, फर्स्ट ए में क्या कहा है, ओनली 1 फ्लैट फेस, तो 1 फ्लैट फेस किसकी होती है, ओनली 1 यानी कि एक ही फ्लैट फेस, ये देखिए कौन, ये है, ये फ्लैट फेस है, कितनी है, 1 है, तो किसकी है, कौन की, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कौन, अगर सिलेंडर लेते तो कितनी आ जाती, 2 आ जाती। ओके, 1 का है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन। बी, नो एज, यानी कि एज किसकी नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि स्फीयर की ना ही एजेस होती है, ना ही वर्टेसेस होती है, ओके, कुछ भी नहीं होता है, उसकी ओनली 1 फेस होती है, तो यहाँ पे नो फेसेस में, नो एजेस में क्या लिखेंगे हम, स्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं सी, 5 वर्टेसेस, 5 वर्टेसेस किसकी होती है, जो ट्राइंगुलर पिरामिड होता है उसकी 5 वर्टेसेस होती है, अभी हमने यहाँ पे देखा, सॉरी स्क्वायर पिरामिड की होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्वायर पिरामिड, ये देखिए, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। ओके, ये स्क्वायर है, ये जुड़ा हुआ है, इसकी वर्टेसेस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे 5, 5 वर्टेसेस मिल गई आपको, तो किसकी होती है, स्क्वायर पिरामिड की 5 वर्टेसेस होती है, ओनली 1 कर्व्ड फेस, 1 कर्व्ड फेस किसका होता है,
देखिए सिलेंडर होता है, उसका भी ये फेस होता कैसा होता है, कर्व राउंड शेप का होता है, और कोन में भी ये फेस कैसा होता है, एक ओनली ये वन फेस कैसा होता है उसका, कर्व राउंड शेप में होता है। ओके सिलेंडर, तो इसमें क्या आएगा, सिलेंडर और कोन, ई फोर ट्राइंगुलर फेसेस। फोर ट्राइंगुलर फेसेस किसकी होती है, अभी हमने ट्राइंगुलर पिरामिड देखी ना, उसमें देखिए फेसेस काउंट करनी है, ये साइड ये साइड ये साइड और एक नीचे की साइड होगी, तो कितनी साइड हो गई, फोर साइड हो गई, फोर ट्राइंगुलर साइड हुई है, ट्राइंगल है इसलिए, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ट्राइंगुलर पिरामिड। लाइक ये प्रिज्म, प्रिज्म को आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कितनी फेसेस होती है। ओके फिर एफ देखते हैं, नो वर्टेक्स, वर्टेक्स किसकी नहीं होती है, तो अभी मैंने कहा था स्फीयर की कोई वर्टेक्स नहीं होती, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्फीयर और सिलेंडर में भी कोई भी वर्टेक्स नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा राउंड शेप में होता है, तो उसकी मतलब स्ट्रेट वर्टेक्स स्ट्रेट है, सॉरी उसकी वर्टेक्स कोई भी नहीं होती है। ओके और स्फीयर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एक लिखो या दो लिखो। ओके फिर जी, टू सर्कुलर फेसेस, सर्कुलर फेसेस किसकी होती है, टू ये देखिए वन एंड टू, सिलेंडर में टू फेसेस है, कैसी है, राउंड शेप में है यानी कि सर्कुलर है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सिलेंडर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंप्लीट द नेट ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड शेड्स द एडेड पार्ट, यानी कि आपको क्या कहा है, ये जो आपको शेप दिया है कौन का, तो उसमें नेट, नेट यानी क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, तो उसको आपको खोल दो, सारी साइड आप क्यूब होता है तो उसकी सारी साइड खोल दो, मतलब उसके सारे पार्ट अलग करके आप दिखाओ कि कितने पार्ट है, कितनी फेसेस है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये क्यूबॉइड है, इसकी सारी साइड यहाँ पे खोल दी है, सभी साइड खोलेंगे तो इतनी साइड होगी, कितनी, 1 2 3 4 5 है, 6 6 साइड होगी, तो ये इसका क्या हो गया, नेट, नेट यानी कि सारे पार्ट अलग करके आपको दिखाने हैं कि कितने पार्ट से ये जो शेप है वो बना होगा, उसको क्या कहते हैं, नेट। ओके तो हमें यहाँ पे यही करना है। ये देखिए कोन, फर्स्ट आपको दिया है कोन, तो कोन को हमें यहाँ पे ट्राइंगल आपको एक दे दिया है, जो मतलब राउंड शेप में कैप के जैसे होगा कोन में, ये देखिए इस तरह से होगा। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, ये सर्कुलर राउंड वाला कम है, ये देखिए यहाँ पे दिया है नेट ऑफ कोन, दो पार्ट होते हैं, एक राउंड शेप और एक ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमें कौन सा नहीं दिया है, ट्राइंगल दिया है, राउंड हमें क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। वैसे यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड है, तो अभी स्क्वायर पिरामिड यहाँ पे हमने देखी, ठीक है, ये सारे पार्ट आप यहाँ से खोल दोगे तो यहाँ पे फोर ट्राइंगल आ जाएगी, देखिए ये नेट ऑफ पिरामिड, इसको खोल दोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा अलग अलग पार्ट में। ओके तो यहाँ पे देखिए तीन पार्ट आपको दिया है, ये फोर्थ पार्ट जो है आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। नेक्स्ट है क्यूब, क्यूब का देख लेते हैं, ये देखिए क्यूब का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूब की कितनी साइड होती है, 6 स्क्वायर से बना हुआ होता है, तो काउंट कर लेना है इस तरह से, कोई भी यहाँ पे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 6 तो देख ले, 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर हमें दिए हैं, एक कम है तो एक हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, इक्वल पार्ट होते हैं इसलिए उसके जितना ही हम ड्रॉ करेंगे। ओके फिर डी, डी में दिया है सिलेंडर, सिलेंडर में कितना होता है, टू सर्कुलर यानी कि कर्व्ड फेसेस होती है और एक सर्कुलर फेसेस होती है। देखिए ये सिलेंडर है, इसका नेट ऑफ सिलेंडर ही, ये पार्ट यहाँ पे दिखा दे, ये पार्ट यहाँ पे दिखा दे, और ये जो पूरा राउंड शेप होता है उसको खोल दो तो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, इसको वापस राउंड कर दो तो ऐसे गोल बन जाएगा इस तरह से, बस उसका पार्ट अलग करके दिया है, तो आपका कौन यहाँ पे कम हुआ, राउंड शेप एक कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में देख लेते हैं, 6 फेजेस होती है, दो यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं, तो हमें कौन सी कम पड़ेगी, रेक्टेंगुलर। ओके देख लीजिए ये क्यूबॉइड है, सारी साइड खोल दो तो इस तरह से बन जाएगा इसका नेट, ये देखिए
1, 2, 3, 4 एंड 5 फेसेस है, एक कम है, तो एक हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद एफ में दिया है ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगल पिरामिड देखिए, इस तरह से अभी ड्रॉ करके बताया था, इन सभी को ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ पे ऊपर जुड़ जाएगा, तो एक पार्ट कम है, यहाँ से भी इसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये जाके पिरामिड बनेंगे, तो ये ऐसा हम ट्राइंगल पार्ट बना देंगे। क्लियर? नेट का अगर आपको कोई मैथ्स में एक्टिविटी करनी हो तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, पेपर लेके अलग अलग इसके पार्ट बना के फिर इसको ज्वाइंट कर सकते हो, और उसमें आप एजेस, वर्टेक्स कितनी है, कितनी एजेस है, कितनी फेसेस है, वो आप देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा और आइडिया भी आएगा कि कोई भी आप सॉरी कोई भी आप सॉलिड शेप बनाते हो तो उसमें कितने पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा आप एक्टिविटी के तौर पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है, कंप्लीट टेबल गिवन बिलो। हमें टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया है सॉलिड, सॉलिड के नेम यहाँ पे दिया है, और हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, देखते हैं फर्स्ट सॉलिड शेप कौन सा दिया है, कोन। कोन में देख लेते हैं नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है, ये कोन दिया है आपको। ये देखिए, ये कौन है, नंबर ऑफ फेजेस यानी कितनी फेज आपको दिखेंगी, ये फेज दिख रही है और ये फेज दिख रही है, तो नंबर ऑफ फेज में क्या आ जाएगा, 2। फिर एजेस देखनी है, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी दिखेंगी, ये देखिए, यहाँ से ये पूरा सर्कुलर यानी कि कर्व्ड होगा, राउंड शेप में ऐसे होगा, तो यहाँ पे वापस जॉइंट होगा, तो कितनी आएगी, 1 आएगी, तो एजेस कितनी है, 1, और वर्टेक्स कितनी है, कहाँ पे आया है, यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेसेस 2 मिले, नंबर ऑफ एजेस 1 एंड नंबर ऑफ वर्टेसेस 1। उसके बाद स्फीयर, तो स्फीयर में मैंने क्या कहा था, स्फीयर होता है उसकी ओनली 1 फेस होती है। ओके, तो फेसेस में क्या लिख देंगे, 1, और उसकी कोई वर्टेसेस नहीं होती, कोई एजेस नहीं होती, तो दोनों में हम क्या रख देंगे, 0। उसके बाद सी, सी में क्या है, क्यूब। क्यूब की कितनी फेसेस होती है, ये तो बहुत इजी है, हमने पहले भी देख लिया है, देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे और दोनों साइड 6 फेसेस होती है, एजेस कितनी होती है, 1, 2, काउंट करते जाते हैं वरना मिस्टेक हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बाकी रहेगा ना, 9, 10, 11 और 12, तो एजेस कितनी होती है, 12, और वर्टिसेस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 क्या होती है, वर्टिसेस, तो लिख देंगे अब हम, कितनी आई थी, 6 फेजेस आई थी, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। उसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर में देखते हैं नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, देखिए ये 1, 2 एंड 3, तो फेजेस में क्या लिख देंगे, 3। उसके बाद क्या है, एजेस, तो उसकी एजेस कितनी होती है, ये देखिए स्ट्रेट नहीं होती, उसकी एजेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है यानी कि ऐसे राउंड शेप में, ये 1 और ये 2, कितनी आएगी यहाँ पे, 2, और वर्टिसेस, वर्टिसेस कोई भी कॉर्नर नहीं, ये राउंड शेप में पूरा होता है, इसकी कोई भी कॉर्नर नहीं होती, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0। उसके बाद है ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड में देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है। ओके, तो नंबर ऑफ फेसेस देखती है, प्रिज्म देख लो, उसमें पता चल जाएगा, तीनों साइड और नीचे का पार्ट 4 साइड हो गए, यानी कि 4 फेसेस है, और अब हम क्या काउंट कर लेते हैं उसके एजेस, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एजेस कितने मिले, 6, और वर्टिसेस देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, लिख देते हैं अभी, ट्राइंगुलर पिरामिड में 4 फेसेस मिले, 6 एजेस मिले एंड वर्टिसेस मिले आपको। उसके बाद क्यूबॉइड देख लेते हैं। ओके, क्यूबॉइड में क्या है, ये क्यूबॉइड है, कितनी फेसेस होती है, ऊपर नीचे दोनों साइड आगे और
पीछे सिक्स फेजेस होती है, वर्टाइसेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एजेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, सिक्स फेजेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस, ओके, क्यूब के जैसा ही होता है क्यूबॉइड में। उसके बाद है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फेजेस कितनी होती है। देखिए ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ओके, ये 1 2, यहाँ पे 3 4, और ये नीचे का पार्ट 5, यानी कि ये दोनों साइड और नीचे का पार्ट 5 फेजेस हो गए। अब एजेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी फेजेस हुए, 8 फेजेस, सॉरी 4 फेजेस हो गए, 8 एजेस हो गए, और अब वर्टाइसेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 5 वर्टाइसेस हो गई। तब लिख देते हैं स्क्वायर पिरामिड में 5 फेजेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ए दिया है ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। क्यूब में क्या होता है, सारी एजेस कैसी होती है, इक्वल, ओके। बी, अ ब्लैंक इज अ पॉइंट और कॉर्नर वेयर टू और मोर एजेस मीट, यानी कि जो पॉइंट होता है उस पे दो और दो से ज्यादा एजेस मीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है उस पे दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वर्टेस, सॉरी एजेस मीट होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं, और क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्टेक्स। एंड ब्लैंक्स इज अ लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट, यानी कि कौन सा, ये जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट जो दो फेसेस को मीट करता है, यानी कि ज्वाइंट, ये फेसेस और ये फेसेस, या तो ये लाइन सेगमेंट ले लो, तो ये फेसेस और ये फेसेस दोनों को मीट करता है, यानी कि ज्वाइंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको एज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज। उसके बाद डी देखते हैं, इन अ पिरामिड द नंबर ऑफ ब्लैंक एंड द नंबर ऑफ ब्लैंक इज सेम। कि कोई भी आप पिरामिड ले लो, यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड हमने देखा, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टेसेस होती है वो सेम आती है। अभी यहाँ पे ही देख लीजिए, ये देखिए ट्राइंगुलर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टेस सेम आ रही है, 4 4। स्क्वायर पिरामिड में देख लीजिए नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टेसेस 5 5, सेम आ रही है। तो कोई भी पिरामिड ले लो आप, उसमें नंबर ऑफ वर्टेसेस एंड नंबर ऑफ फेसेस कैसी आएगी, इक्वल आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फॉलोइंग फॉर द क्यूब गिवन अलोंग साइड। उसमें ए देखते हैं, द एजेस मीटिंग एट अ क्यूब, क्यूब पे कौन कौन से एजेस मीट हो रही है, देखते हैं क्यूब पे, देखिए पी क्यू वन, क्यू वाई एंड क्यू आर, तीन हो रही है, लिख देते हैं पी क्यू, क्यू वाई एंड आर क्यू, ओके। बी में क्या कहा है, द फेस ऑपोजिट साइड आर क्यू वाई जेड, आर क्यू वाई जेड की ऑपोजिट फेस हमें लिखनी है, आर क्यू वाई जेड, ये फेस है पूरी, इसकी सामने की कौन सी होगी, ये वाली हो रही है, तो ये कौन सी बन जाएगी, पी एस यू एक्स, यहाँ पे कौन सी फेस लिख देंगे, पी एस यू एक्स, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग नेट्स आर फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। कि यहाँ पे जो नेट दिया है उसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है क्यूब में। विच लेटर विल लाई ऑपोजिट टू, कि कौन सा लेटर उसके ऑपोजिट आएगा। ए में कौन सा है, लेटर ई, तो लेटर इसको फोल्ड करेंगे तो उसके ऑपोजिट यानी कि उसके सामने ही, लेटर ई के सामने कौन सा लेटर आएगा, तो ऐसे करके देख लेते हैं, ये दो, तो कौन सा आ रहा है, ये वाला आएगा, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, बी। उसके बाद लेटर एक्स है, ये वाला एक्स, ऐसे, तो उसके सामने कौन सा आएगा, ये दोनों एक्स, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, यू, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू, ओके।
इसके साथ हमारा चैप्टर वन है वो यहाँ पे एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकती हो, ओके, ताकि जो भी क्वेरी हो उसका मैं वीडियो बना के आपको आपको प्रोवाइड कर सकूँ। क्लियर? थैंक यू।